हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी एथलेटिक एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। अक्सर मैं देखता हूँ जिम में लोग जाते हैं एंड हैवी लिफ्ट करते हैं और वो गलत फॉर्म के साथ करते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आइए आज बात करते हैं हम ऐसी दो एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी एथलेटिक एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ डंबल स्नैच एंड डंबल स्प्रिंट स्नैच के बारे में। उसको कैसे सही फॉर्म में परफॉर्म करना है एंड उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डंबल स्नैच की स्टार्टिंग पोजीशन की। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए आपको जो आपके लेग्स है वो हिप से थोड़ा बाहर रखने एंड यहाँ से आप अपने हिप्स को पीछे लेके ऐसे डंबल के पास जाएंगे एंड इस तरीके से होल्ड करेंगे। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आपको अपना जो लंबा रखा हुआ है, आपकी जो लोअर बैक है एकदम स्ट्रेट एंगल पे मेंटेन करनी है इस तरीके से। ये आपका होगा स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग मूवमेंट के बाद आइए बात करते हैं आपको मूवमेंट कैसे परफॉर्म करनी है एंड किन बातों को ध्यान रखना है। स्टार्टिंग पोजीशन में जब आप आएंगे तो आपके तीन जगह एंगल बेंट होते हैं, आपका काफ एंकल पर, देन आपका नीज पर, देन आपका हिप्स पर। जैसा आप देख सकते हैं अभी हम तीन जगह पे बेंड है, 1, 2 एंड 3। इसके बाद जब आप मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपके तीनों बेंड खुलेंगे जिसको हम ट्रिपल एक्सटेंशन भी बोलते हैं। वो होगा इस तरीके से, आप खुलेंगे, नीज आपके स्ट्रेट होंगे, हिप्स ऊपर जाएंगे ना एंकल ऊपर आएंगे इस तरीके से। तो आपको ट्रिपल एक्सटेंशन का जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आप डंबल से हाई पुल करेंगे एंड देन उसको कैच पोजीशन में लेके आएंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तीनों एंगल बेंड रहेंगे, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे हाई पुल एंड कैच। अब बात करते हैं लोग अनजाने में जो गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली जो गलती वो करते हैं जब स्टार्टिंग पोजीशन में आते हैं एंड नीचे जाते हैं, जो उनकी बैक है वो ऐसे कर्व रहती है। बैक को आपको कर्व नहीं रखना, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक को स्ट्रेट करने के लिए आप अपने शोल्डर्स को अप करेंगे एंड इस एंगल को मेंटेन करते हुए डंबल को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो सेकेंड गलती लोग करते हैं, अपनी एल्बो को बॉडी से बहुत दूर ले जाते हैं। आपको एल्बो अपनी बॉडी के पास एंड हाई लेके जाना, आप जितना ले जा सकते हैं। बॉडी आपकी जाएगी यहाँ से, एल्बो को एक्सटेंड करना स्ट्रेट इस तरीके से। डंबल को ऐसे आपको आगे नहीं लेके जाना, डंबल को आप स्ट्रेट एंड अप लेके आएंगे इस तरीके से। इसके बाद हाई पुल के बाद आप कैच करेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट बैक, हाई एल्बो, कैच। तो इन गलतियों को आप अवॉइड करें एंड सही फॉर्म में एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसके बाद बात करते हैं डंबल स्प्रिंट स्नैच के बारे में। डंबल स्प्रिंट स्नैच में भी आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है एंड जो आपके एक्सटेंड पोजीशन है वो सेम रहेगी। सिर्फ आपके अंदर इसमें जो डिफरेंस रहेगा, आपको जंप करते हुए लंज में आना है एंड उस पोजीशन में डंबल को कैच करना है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग पोजीशन आपकी सेम रहेगी, आप ट्रिपल एक्सटेंशन करके जाएंगे इस तरीके से कैच करेंगे। इसमें भी अगर आप देखेंगे, मैं हाई पुल कर रहा हूँ, ट्रिपल एक्सटेंशन कर रहा हूँ एंड कैच कर रहा हूँ। सिर्फ जो डिफरेंस है, आपको एक्सप्लोजिवली जंप करके लंज पोजीशन में डंबल को कैच करना है। लेंगे हाई पुल, कैच इस तरीके से। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जैसा मैंने कहा, आप इसमें कितना हैवी वेट उठा रहे वो मैटर नहीं करता। आप सही फॉर्म में एक्सरसाइज को परफॉर्म करें एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने आप वेट हैवी लिफ्ट करना शुरू कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई एंड इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है एंड हमें एक मोटिवेशन देता है और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए।